दोस्तों आइए देखते हैं अगला भाग। पहले भाग में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कृषि के इम्पोर्टेंट, और ये दूसरा भाग है। इसमें 20 क्वेश्चन आ गए हैं, तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये पिछली पीसीएस की परीक्षाओं में तथा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। इसमें से पहला प्रश्न है, पूसा सीडलेस किस्म अंगूर की है। कल्याण सोना ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया था। कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। पपीते के रंग का पीला रंग करिका जेंथिन के कारण होता है। ये 2 साल पहले ही अभी रिसेंटली पूछा गया है कि पपीते का रंग पीला किस कारण से होता है, तो करिका जेंथिन के कारण होता है। लीची के फल का खाने वाला बाहर गूदेदार बीज चोल, और इसके बाद है सिगा टोका रोग केले का है। जामुन शुगर रोगियों के लिए अमृत माना जाता है। जामुन शुगर रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। फलों के रंग में परिवर्तन एंजाइम के कारण होता है। फलों के रंग में परिवर्तन एंजाइम के कारण होता है। शीत गृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को 3.9 डिग्री सेल्सियस से 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में रखना चाहिए। सेब को चाकू से काटने पर उसका भूरा रंग एंजाइम के कारण होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग के साथ होता भी है, व्यवहारिक क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सेब को चाकू से काटने पर उसका भूरा रंग एंजाइम के कारण होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। सोडा वाटर नामक पेय में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। भारत में स्वीकृत प्रमुख 2 परिरक्षक सोडियम बेंजोएट एवं मेटाबाई सल्फाइड है। सोडियम बेंजोएट आपको पेय पदार्थों में, जो हल्के पेय पदार्थ होते हैं उनमें आपको मिल जाएगा, पढ़ के देखिएगा। सोडियम बेंजोएट जो आप लोग फ्रूट जूस पीते हैं उसमें भी पढ़िएगा, लिखा रहता है सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव के तौर पर। किण्वन यानी किण्वन का मतलब होता है सड़ना या सड़ाना, इसकी क्रिया को कून्स नली उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना ये जिंक की कमी के कारण होता है, जो मक्के की पत्तियों के ऊपरी सिरे सफ़ेद हो जाते हैं। शकरकंद रूपांतरित जड़ है। क्यूरिंग यानी पत्तियों को सुखाना, ये प्रक्रिया तंबाकू की फसल में होती है। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाया जाने वाला सौंफ पौधे का फल भाग होता है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये रहा दूसरा पार्ट। थैंक यू।